अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की नई वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब रेंजर्स की तरफ से ऑल पाकिस्तान में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तमाम डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, गौर से देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस किया करें, जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है गूगल, वहाँ पे कुछ इस तरह से आप जुबाइजो टाइप करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद पहला लिंक आपको जुबाइजो.com का शो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर पंजाब रेंजर्स सिपाही जनरल ड्यूटी जॉब्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पोस्ट ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ जनरल डिटेल्स हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें जो जॉब्स हैं ये सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए अनाउंस की। इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 7 दिसंबर तक होगा और 28 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा, और इसमें अप्लाई ऑनलाइन होगा। इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। तो अब अगर इसके एडवर्टाइजमेंट को व्यूअर्स एक्सप्लोर करें तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो सिपाही जनरल ड्यूटी की जॉब्स हैं इनका ग्रेड 5 है, और फर्दर नीचे आप अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको कोटा डिवाइड करके दिया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मेरिट पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर पर दिया गया है। अप्लाई करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा भी रखा गया है जो कि है 5%, और यहाँ पर आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स का बताएं तो आपको जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी कम अज़ कम मिडिल होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास मिडिल से ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जो एज है 1 फरवरी 2023 तक आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रेफरेंस की भी बात की गई है कि फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर 18 से 22 साल तक की उम्र वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर जो पहले से सर्विसेज में हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। अगर बात कर लेते हैं आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पर आपको जो हाइट है वो 5.6 इंचेस रिक्वायर्ड, अगर आप ज़्यादा वाले हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जो चेस्ट है वो भी आपको बता दिया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आपको दे दी गई हैं। ऑल पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको बताते हैं। बता दी गई कि 18 नवंबर से 7 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आगे फर्दर आपको प्रोसीजर भी बताया गया है कि सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आपका इब्तदाई तबी मुआयना होगा, और इसके अलावा आपका फिजिकल और रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है तफसीली तबी मुआयना होगा, इंटरव्यू, और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। तो अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो आपके रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं वो कौन से हैं। सुबह बलूचिस्तान में आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो हेड क्वार्टर फ्रंटियर कोर क्वेटा है। सुबह सिंध के अंदर हेड क्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद है। पंजाब के अंदर टोटल आपको 6 हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए भी आपको मुजाहिद फोर्स सेंटर विम्बर, यहाँ पर उसका एड्रेस दिया गया है कि हेडक्वार्टर्स है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए रेंजर्स विंग हेडक्वार्टर्स गिलगित दिया गया है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई की। तो जो हमने आपको एडवर्टाइजमेंट शो किया है इसके ऊपर, यहाँ पर वेबसाइट पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी इसे अपडेट नहीं किया गया है क्योंकि 28 नवंबर आपको डेट दी गई है, तो 28 नवंबर यानी कल से आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। उम्मीद वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।